है, उच्छा के साथ रखकर प्रचार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, इसलिए सारा उत्साह के साथ है। हालेलुया। एक दूसरे को देकर बोलेंगे, खाना खाने के बाद आप बहुत एक्टिव हो गया, क्या बात है। हालेलुया। अभी मेरा टाइम भी थोड़ा ज्यादा दिया है इस सेक्शन में, इसलिए थोड़ा आराम से प्रचार करने के लिए मैं सोच रहा था। हालेलुया। जो भी जो पॉइंट्स होता है बहुत रसली नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे। हालेलुया। इस सेक्शन में हम देखेंगे आगे बढ़ने के बारे में। पिछले दिनों पिछले सेक्शन में हमने देखा था समर्पण के बारे में, किस रीति से अर्पण करना है, अर्पित करना है, ऐसे बातों को हमने देखा है। लेकिन अभी जैसे हम आगे बढ़ना है उसके बारे में हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। लेकिन जो आगे बढ़ने के लिए कई बार रुकावट हमारे समझ में होता है, जैसे प्रभु ने किस चीज को किस प्रकार से रखा है उसको सही ढंग से परमेश्वर की योजना के अनुसार और परमेश्वर की वचन की प्रकाशित के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम नहीं समझेंगे तो कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग में हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। आज हमारे अंदर कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रभु दूर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कई बार हम आगे बढ़ने के लिए जो हमारे अंदर जो समझ की रुकावट है उसको रुकावट को आज पवित्र आत्मा तोड़ने के लिए जा रहा है। आज जो कलीसिया में विश्व रूप से हम देखने के वक्त मसीह के पीछे चलने वाला बहुत लोग है, मसीह को विश्वास करने वाला बहुत लोग है, सारी कलीसियाओं के बीच में चार ग्रुप्स है, चार ग्रुप पीपल है। वो पहला ग्रुप पीपल क्या बोलता है, आई विल बिल्ड गॉड्स चर्च, परमेश्वर की कलीसिया को मैं बनाऊंगा। दूसरा ग्रुप बोलता है परमेश्वर मेरी कलीसिया को बना रहा है। तीसरा लोग बोलते हैं मैं मेरी कलीसिया को बना रहा हूं। ये तीन जगह में जो बोलने के वक्त हमारा समझ कैसा है ऐसे हम सोचेंगे। कई बार कुछ लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर की कलीसिया को मैं बना रहा हूं, ये हमेशा जो प्रभु की राज के लिए और प्रभु की बातों के लिए जो करते रहता है इसी के ऊपर सारा फोकस करेंगे, उसी बातों को बताते रहेंगे। दूसरा, परमेश्वर मेरी कलीसिया को बना रहा है ऐसे बोलने वाला लोग क्या है, हमेशा वो बताएंगे दुनिया में किसी को परमेश्वर ने काम नहीं करता है, सिर्फ मेरी सेवकाई में और मेरी कलीसिया में मेरी सेवकाई के द्वारा ही काम हो रहा है, कर सारी बातों को बताएंगे। ध्यान से सुनिए, मतलब उनकी मन का जो भी प्रकट करता है, मन के अंदर से बात आती है, उसी बातों में हम महसूस कर सकता है ज्यादा प्रभु अकेला इनके लिए कड़ा है, बाकी सारों के लिए नहीं कड़ा है, कर जो प्रभु उनकी जीवन में कैसे काम करता है उसी के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। जो तीसरा ग्रुप एक ग्रुप है, मैं मेरी कलीसिया को बनाता हूं, वो लोग हमेशा ये बोलेंगे जैसे हम कर रहे हैं
वैसे कोई भी नहीं करता, हमेशा वो लोग ऐसे थे जो कोई भी नहीं करता वो मैं करूंगा, यूनिक, जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी जो सेवकाई में उन्होंने किया है उसी के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन एक चौथा ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, दे विल से ही विल बिल्ड हिज चर्च, वो अपनी कलीसिया को वो बना रहा है। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जो फोर्थ ग्रुप है वो हमेशा ये समझेंगे प्रभु उसका कलीसिया को वही बना रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी हम चेकअप करेंगे, हम किस रीति से, किस सोच विचार से हमारा मन के अंदर विचार है। आई विल बिल्ड माई चर्च, यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरी कलीसिया को मैं बना रहा हूं। बहुत अच्छा गीत गाए सुबह मैंने, वो गीत लिखा हुआ है भाई ने, आदलोक का फाटक क्या नहीं करेगा है? हालेलुया। कब? जो वो उनकी कलीसिया को बनाने के वक्त बादलों की फाटक क्या नहीं कर सकता है। जोर से बोलिए हालेलुया। कई बार हम कोई भी परमेश्वर की कलीसिया को नहीं बना सकते। हमारा कलीसिया को परमेश्वर नहीं बना रहा है, हम हमारी कलीसिया को नहीं बना सकते, लेकिन वो उनकी कलीसिया को बनाता है। हालेलुया। इसलिए देखो, हम हमेशा मन के अंदर ये विचार रखना चाहिए, वो उनका काम कर रहा है, उसके साथ रहकर मुझे वो इस्तेमाल कर रहा है, उनके काम होते रहता है। हालेलुया। ऐसे हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे, आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावट नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मतलब हमेशा यही माइंड में रखना है, यीशु मसीह वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। हालेलुया। अभी हम एफिसियों की पत्री जो 6 अध्याय है उसका पूरा एक नजर मारने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सारा दूसरे को देकर बोलो हेलो। अभी एफिसियों की पत्री से जो 6 अध्याय है वो सारा अध्याय को हम नजर मारने के लिए जा रहे हैं। जो कलीसिया की गहराई बातों को समझाने वाला एक पौलोस की पत्री है तो एफिसियों की पत्री है। ये 6 अध्याय में 6 रूप से कलीसिया के बारे में पौलोस बताता है। ध्यान से सुनिए, 1 अध्याय में द चर्च इज अ बॉडी, कलीसिया एक शरीर के रूप में बताया गया। क्यों हम सारा इसको हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, परमेश्वर कलीसिया को कैसे रखा है उसकी समझ हमारे अंदर आएगा तो फालतू हमारे अंदर जो रुकावट है वो निकाल कर आसान रीति से हम सेवकाई में एक परमेश्वर की अनुग्रह पाकर एक प्रभावशाली सेवकाई हम कर सकते हैं। द फर्स्ट चैप्टर, 1 अध्याय, कलीसिया एक शरीर के रूप में बताया गया। दूसरा, द चर्च इज अ टेम्पल, कलीसिया एक मंदिर के रूप में बताया गया। तीसरा चैप्टर, कलीसिया एक वेद के रूप में, द चर्च इज अ मिस्ट्री, वेद के रूप में बताया गया।
ये दो छह अध्याय को दो रीति से हम अलग कर सकते हैं। पहला तीन अध्याय कलीसिया की स्वर्ग की बुलाहट के बारे में बताती है। द चर्च इज अ बॉडी, द चर्च इज अ टेम्पल, द चर्च इज द मिस्ट्री। ये तीन अध्याय कलीसिया की स्वर्ग की बुलाहट की गहराई के बारे में हमको बताता है। तो नेक्स्ट थ्री चैप्टर्स चौथा अध्याय ये बताता है, जो दूसरा तीन अध्याय है, कलीसिया इस दुनिया के साथ किस किस रीति से संबंध रखा है, कैसे बना के प्रभु ने रखा है, उसके बारे में बताता है। चौथा अध्याय में कलीसिया एक नया मनुष्य के रूप में बताया गया। पांचवा, चर्च इज अ ब्राइड, कलीसिया एक दुल्हन के रूप में बताया गया। छेमा, कलीसिया एक सिपाही के रूप में बताया गया। द चर्च इज अ सोल्जर। फोर्थ चैप्टर, चर्च इज अ न्यू मैन। फिफ्थ चैप्टर, चर्च इज अ ब्राइड। सिक्स्थ चैप्टर, चर्च इज अ सोल्जर। हालेलुया। सारा है, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर भी सिर हिलाना पड़ेगा। प्रचार करने के वक्त कुछ हिलाते हैं तब इधर से भी कुछ हिलता है। हालेलुया। इस अध्याय की हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, ताकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत बड़ी जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तीन बात हमेशा जुड़ा रहता है, वर्शिप, फेलोशिप एंड रिवेलेशन। कल भी मैंने मूसा के संदूक के बारे में बताने के वक्त ये पार्ट आपको बताने के लिए टाइम नहीं मिला था। जो महापवित्र स्थान में, परम प्रधान की स्थान में, एक हमारी रूह के अंदर परमेश्वर एक आराधना का, आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक गहराई संगति में जुड़ जाते हैं। वो हमको एक जो सेकंड पार्ट वर्शिप के अंदर, वर्शिप के द्वारा संगति में मिलने के बाद परमेश्वर की प्रकाशित हमारे मन के अंदर नया रूप से पैदा होता है। हालेलुया। लेकिन जो पहला अध्याय में हमने देखा है, चर्च इज अ बॉडी, सारा बोलो, कलीसिया एक शरीर है, एक शरीर है। देखो, दो बात में बहुत इंपॉर्टेंस देना है सेवक लोगों को, उसी में आगे बढ़ना है। पहली बात क्या है? परमेश्वर के साथ संगति, दूसरा कलीसिया के अंदर जो प्रभु अपने लोगों के रखा है उनके साथ संगति। हालेलुया। ध्यान से सुनो, देयर इज द टू वर्ड्स इन इंग्लिश, रिलेशनशिप एंड फेलोशिप। जो रिश्ता और संगति दोनों में अंदर है, जो रिलेशनशिप इज लाइक अ आयरन चेन, वो एक लोह की तार के समान है, वो इतना जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन संगति, फेलोशिप, इट्स लाइक अ स्लेंडर थ्रेड, एक नासुक क्या बोलते हैं, रुई, रुई के समान है, वो कभी भी किसी भी रीति से टूट सकता है। देखो, अभी ये शरीर के बारे में हम ध्यान करने के वक्त एक बहुत बड़ी गहराई बातों को ध्यान करना है।
हम कई बार परमेश्वर की बिना पसंद किया हुआ चीजों को हमारे जीवन में आने के वक्त परमेश्वर के साथ जो संगति में एक बहुत बड़ी फर्क आ जाता है। कई बार लोग बोलेंगे, मैं तो उद्धार पाने के वक्त 10 घंटा प्रार्थना करता था। इसका मतलब क्या है? अभी प्रार्थना नहीं करते। मैं उद्धार पाने के वक्त बाइबल इतना पढ़ता था भाई, नींद भी नहीं आता था। अभी क्या है? मैं तो मसीह के अंदर शुरुआत में आने के वक्त इतना सेवा करता था, उतना होकर अभी क्या हो गया? पहले ऐसे बोलने के वक्त माफ ले, क्या है? अभी कुछ ना कुछ ठंडापन हो चुका है। पूछो, ठंडापन हो चुका है? कोई गवाही बता रहा है, मैं तो शुरुआत में मसीह के लिए वो किया ये किया। बोलने का मतलब क्या है? अभी कुछ फर्क आ चुका है भाई। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के साथ जो संगति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी भी हमने कई बार उसमें कमजोर होने के वक्त सब कुछ कमजोर हो जाता है। हालेलुया। जो हमेशा क्या है, सेलफोन हम सारा यूज करते हैं। सेलफोन 50,000 का ले लो, 30,000 का ले लो, 3,000 का ले लो, जो 3,000 को लेंगे तो भी वो 4 घंटे 6 घंटे चलेगा, फिर क्या करना पड़ता है? जो 50,000 के लिए मोबाइल लेंगे वो भी क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं वो 50,000 है भाई, एक हफ्ता चलेगा बोल सकते हैं हम? आपकी बुलाहट प्रेरित हो, पास्टर हो, प्रॉफिट हो, टीचर हो, पास्टर हो, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी चार्ज एवरी डे बाय गॉड। हालेलुया। लेकिन कई सारी मोबाइल तो इतना महंगा महंगा है, अपोस्टलिक डॉक्टर सब कुछ है, लेकिन बिना चार्ज से चलता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के साथ हमारा संबंध है, वो रिश्ता है, वेरी वेरी पावरफुल। कितनी गहराई प्रभु के साथ हम जुड़े रहते हैं, उतना सारी रुकावट हमसे दूर ही रहेगा। हम आगे बढ़ने के लिए कभी भी रुकावट नहीं आएगा। जो प्रभु के साथ हमारा तार जुड़ा रहता है तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं? हालेलुया। हमारा तार लगा होना चाहिए, प्रभु के साथ एक संगति होना चाहिए। इसके बारे में बहुत प्रचार किया है, बहुत सुना है, ठीक है भाई। जैसे प्रभु के साथ हम संगति में रहते हैं, वैसा ही विश्वासी लोगों के साथ संगति में ध्यान देना चाहिए, उसी संगति में रहना चाहिए। सिर्फ एक ही सिस्टर को हालेलुया आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? हालेलुया बोलिए। ये तो हर एक जगह में ऐसे बोलते हैं, हैं? जान से सुनिए। जो यीशु मसीह, कोई भी बंदा मरने के पहले कुछ बात बोलता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास बात है वो, प्रेशियस। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने के पहले एक गहराई बातों को अपनी दिल के अंदर से अपनी चेलों के साथ बांट रहा था। वो क्या था? योगना की सुसमाचार 15 अध्याय, आप घर में जाकर पढ़िए, मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये 15 अध्याय में यीशु मसीह 3 संगति के बारे में बता रहा है। पहला वचन से 8वां वचन तक, जो विश्वासी और सेवक, विश्वासी और सेवक का जो संगति प्रभु के साथ कैसा है। दूसरा,
तो नौवां वचन से लेकर 17 वचन तक विश्वासी की संगति, विश्वास विश्वासी और विश्वासी की संगति कैसे रहना चाहिए। तीसरा, जो विश्वासी का संगति दुनिया के साथ कैसे रहना चाहिए। तीन फेलोशिप के बारे में उधर बता रहा है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के साथ संगति, सगा विश्वासी के साथ, अपना भाई के साथ संगति, दुनिया के साथ संगति। इसमें जो पहला संगति क्यों मैं बता रहा हूं, यू शुड अंडरस्टैंड द बॉडी, शरीर बोलने का मतलब क्या है। देखो उसमें पहले दाखलता के बारे में बता रहा था, जो दाखलत का एक ब्रांच कट हो जाएगा तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी पेड़ है, बाहर है, बाहर जाकर देखो, किसी पेड़ की ब्रांच को आप काटेंगे दूसरा बार उसको जुड़ सकते नहीं, क्विक फिक्स लेकर छुड़ सकते, करते हैं, कर सकते हैं? इतना वेरी केयरफुल विद द गॉड्स संगति में। कई बार कुछ लोग कट हो जाता है तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या है, इस जगह में जहां वो ब्रांच है वो कहां टिका रहता है, वो खुराक लेने के लिए, पानी पीने के लिए नीचे आता है, नीचे आता है। हाँ भाई बोल रहा है नीचे आता है, कौन सी ब्रांच नीचे जड़ जग जाता है भाई, कहाँ रहता है वहां रहता है, लेकिन उसका पानी सब कुछ जो भी है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, कुछ भी है, सारा जड़ से ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। मैं क्या बोलता हूं, मसीह के साथ हम जुड़ा रहेंगे, सारी कुछ हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते रहेगा। हालेलुया। कई बार बोलने के वक्त कम से कम हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलने के वक्त हालेलुया। जो मैं क्या बोलता हूं, प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे, दैट्स एनफ, एवरीथिंग सब कुछ हमारे अंदर आते रहेगा। हालेलुया। हम तो मैक्सिमम, बहुत लोग बोलता है ना, कुछ लोग बोलता है मैं सिर्फ परमेश्वर को देखता हूं, परमेश्वर को प्रेम करता हूं और कोई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। हालेलुया। बोलते हैं भाई मुझे तो किसी की परवाह नहीं है, मैं मसीह को प्रेम करता हूं, किसी को जरूरत नहीं है। इसका मतलब मसीह को भी नहीं समझा, मसीह का प्रेम को भी नहीं समझा। हालेलुया। किस लोग इंसान के साथ संगति नहीं करता है, जो विश्वासी के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है, वो बंदा बहुत बड़ी रुकावट में है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रॉब्लम कहां पर आता है, सारा पूछो प्रॉब्लम, एक दूसरे को पूछो यार, साइड में देखो, पूछो प्रॉब्लम कहां से आता है। कई समय में ये बोलते हैं एक मन नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो यही बोलेंगे, एक मन नहीं है। बोलते नहीं बोलते भैया उसके साथ मैं जा नहीं सकता, उसका उसका वो मरा सेटिंग नहीं हो रहा है, वो अलग विचार करता है, मेरा विचार के साथ नहीं मिलता है, इसलिए उसके साथ मैं नहीं चल सकता हूं। मतलब क्या है, प्रेम नहीं कर सकता हूं, प्रेस लाट नहीं बोल सकता हूं। ये बहुत बड़ी रुकावट है भाई, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है। लेकिन अभी देखो, एक सिंपल देखो, ये बॉडी है, शरीर है, शरीर में ये पैर बोलता है मैं इधर चलूंगा, ये पैर बोलता है मैं इधर चलूंगा, बॉडी कैसे चलेगा, कुछ जा पाएगा? ये हाथ बोलता है मैं इधर खींचो, मैं इधर खींचो, क्या होगा, नहीं जा पाएगा। चलो भाई इधर भी नहीं जा सकता है, इधर भी नहीं जा सकता है, वो अलग बात है।
लेकिन ये प्यार इससे बोलता है, हम दोनों मसीह के अंदर है, जैसे आप करेंगे वैसे मैं भी करूंगा, हम दोनों इकट्ठा करेंगे। ताली मत बजाओ, एक मिनट, मैं करने के बाद ताली बजाओ। ये पैर बोल दिया, जब आप आगे रखेंगे मैं भी आगे रखूंगा। कैसे होगा सोच के देखो। अभी एक मन समझ आ गया, एक मन समझ आया, सारा प्रॉब्लम इसी में है भाई। सारा कलीसिया के अंदर लड़ाई, भाई के अंदर लड़ाई, सारी जगह में लड़ाई, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग गुस्सा में बोलते हैं, मैं मरेंगे तो भी नहीं बात करूंगा। मरने के बाद कौन बात करने के लिए बोलता है भाई। लड़ाई में बोलते हैं, मैं मरेगा तो मुझे देखने के लिए मत आना, फ्यूनरल में मत आना। एक फ्यूनरल में गया, एक फ्यूनरल में गया है, दो पास्टर आया हुआ है, दो पास्टर, दोनों के अंदर क्या हो गया, एक लड़ाई हो गया। वो उधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। एक पास्टर उसको प्रेस लॉर्ड बोल रहा है, प्रेस लॉर्ड ऐसे, भाई ऐसे रहेगा तो ये बहुत बड़ा लाल समुद्र है, ये बहुत बड़ा जेरिको है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया, जान से सुनिए। पहला, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, चर्च कलीसिया एक शरीर है। हालेलुया, सोच के देखो, ये पैर आगे रखेगा तो एक पैर पीछे रहता है, होता है नहीं होता है, तब हम चल पाते। ये पीछे रहता है, ये आगे रहता है। कलीसिया में भी कई बार एक बंदा जोश में आ जाता है, एक बंदा डिल्ला में हो जाता है। जो जोश में आने वाला है इसको मत बोलो क्या या आत्मा में नहीं है वो। जब ये डिल्ला हो जाएगा, ये क्या या चिल्लाते रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हमको प्रभु बिन बिन काम दिया हुआ है, बिन बिन मकसद के लिए, लेकिन सारा मिलकर एक ही काम को करता है। हालेलुया, मैं जहां रहता हूं वहां से इधर आना है तो मेरा सिर से लेकर पैर तक सारा एक ही जैसे काम करता है। दिमाग बोलेगा कपड़ा डालो, हाथ लेकर कपड़ा को डालेगा, डालने के बाद जूती डालो, पैर डालेगा, डालने के बाद फेस वॉश करो, खंगी करो, सारा ब्रेन से लेकर सारा बॉडी उस मकसद के लिए काम करता है। हालेलुया, हम हर एक व्यक्ति कलीसिया की, यीशु मसीह का शरीर का अंग है। हालेलुया, इसलिए किसी को प्रभु ने किस काम करने के लिए दिया है तो वो करने दो, आपका अपना काम करने दो, उसके बीच में दोनों मिलकर परमेश्वर की कामों को कैसे कर रहे हैं उसको देखने का प्रकाशित जब आ जाएगा, तब हम आसान से संगति में रह सकता है। हालेलुया,
कौन कौन बोल सकता है मैं सबको प्रेम कर सकता हूं? हाथ उठाइए। कौन हाथ उठा वो, कौन नहीं कर सकते वो हाथ उठाइए। कौन नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मैं क्या, हम ही बात कर रहे हैं, कौन है? पास्टर लोग दिल खोल कर बात कर रहे हैं भाई, क्यों चिंता है? नहीं नहीं, वो गलत समझेगा, ये गलत समझेगा। नहीं, सच में बोलो, कौन कौन सबको प्रेम नहीं कर सकते बोलने वाला हाथ उठाइए। ये इनके लिए थाली तो बजाओ यार। क्यों? कई बार सही में कुछ कुछ बातों के लिए किसी को प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, वो कड़वापन आ जाता है। इसलिए पौलुस लिखता है, कड़वापन की जड़ आपके बीच में आकर सारी चीजों को नाश करने के लिए नहीं देना, चौकित रहो। द बिटरनेस, इट इज वन ऑफ द ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन अवर मिनिस्ट्री। किस सेवकाई सेवक सेवक के अंदर एक कड़वापन नहीं होता है, वो परमेश्वर की महिमा को ज्यादा प्रकट कर सकता है। बाई में भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं, चंगाई कर सकता हूं, बाइबल को जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन हमारे अंदर कड़वापन रहेगा तो ये सारा कुछ व्यर्थ है, टोटल जीरो। ये हमको आगे पढ़ने के लिए पीछे खींच लेता है, लेकिन प्रभु आज उसी को तोड़ रहा है। आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावट है, वो सारी रुकावट हमारी दिल के अंदर से निकल रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी जो युगना सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह ने जो सेकंड उस चैप्टर में दूसरा हरेक, देखो हरेक चैप्टर में पढ़ने के वक्त हरेक पार्ट का एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड की को क्या बोलेंगे हिंदी में? चाबी। एक चाबी होता है, वो चाबी ले लेंगे तो उस अध्याय की गहराई को हम खोल सकते हैं। पहला अध्याय, मुझ में बने रहो, यीशु मसीह ने बोला मुझ में बने रहो। बने रहो कीवर्ड है उस अध्याय का पहला पार्ट में, परमेश्वर के संगति के साथ। जो दूसरा पार्ट है उसका कीवर्ड क्या है? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसा ही एक दूसरे को प्यार करो। ये बात आम रीति से मत समझना, जैसे यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया है। इसका मतलब क्या है? हम हमेशा कौन हमको अच्छा लगता है, कौन अच्छा काम करता है वो अच्छा लगता है। किसी के अंदर कुछ कमी देखेंगे, क्या बंदा या वो। एक इंसान के अंदर कुछ कमियां नजर आता है तो तब हमारी मन के अंदर हम बिना बुलाते हुए थोड़ी सी कड़वापन पैदा होता है। क्या तुझ समझना, क्या सेवा करता है वो, सेवा थोड़ी करता है वो बेचारे, वो क्या हालत में सेवा कर रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम बोलते क्या विश्वास ही नहीं है, विश्वास के साथ सेवा नहीं करता है। हमारा कश्मीर में एक मिशनरी था, वो एक दिन चिट्ठी लिखा, भाई हम इधर रहने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, सर्दी के लिए कपड़ा लेना है, वो लेना है, बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए 5,000 जरूरत है, इसलिए थोड़ा मदद करो करके लिखा। वो लेटर पढ़ के वो फ़ोन कर रहा है इनको, जब फ़ोन मोबाइल नहीं होता था, फ़ोन किसी के घर में आता था उधर जाते थे, उधर फ़ोन गया, फोन ये बहुत ऊंचा के साथ गया, क्या बात बोल रहे, प्रेज लॉर्ड कैसे हो, कैसा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सेवा ठीक है, ठीक है, चले, चिट्ठी मिला, हाँ चिट्ठी मिला। उन्होंने उधर से फ़ोन से बोला, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप सेवकाई के लिए गया है, विश्वास के साथ खड़ा होना चाहिए। फिर इन्होंने उत्तर दिया, बिना विश्वास से मैं कश्मीर में नहीं आया। हालेलुया।
मैं बोलने का मतलब क्या है, एक बंदे को किसी भी कमी को निकाल कर उसको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी को देखते रहते हैं। मैं एक बात बोलूं, एक अच्छी तरफ समझो, जिस भाई को आज हम देख रहे हैं वो भाई एक दिन यीशु मसीह आने के वक्त यीशु मसीह जैसा है वैसे बदल जाएगा। एक दूसरे को देखकर बोलो हेलो, अभी कैसा भी हो लेकिन एक दिन यीशु मसीह आने के वक्त यीशु मसीह जैसे बदल जाएंगे। एक व्यक्ति को कैसे प्रेम कर सकता है, उसकी भविष्य में कैसे बदलने वाला है, उसी रूप से हम देखने के लिए शुरू करेंगे तो उसका माफ करने के लिए, उसका ग्रहण करने के लिए आसान हो जाएगा। क्यों हालेलुया नहीं बोलते? मैं क्या बोलता हूं, किसी की कमी को देकर उसको एक्सेप्ट कर उसको माफ करने के लिए हम शुरू कर दिया, हम आगे बढ़ने के लिए शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मूल, बेसिक फाउंडेशन इज द लव ऑफ क्राइस्ट। मसीह का प्रेम हमारा दिल के अंदर राज करना चाहिए। भैया कलीसा को छोड़ो भाई, घर का ले लो। घर में प्रॉब्लम क्या आती है, शादी के पहले तो बहुत अच्छा था, अभी धीरे धीरे सारा ठंडापन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। कई बार हम देते हैं सेवकाई के बारे में इसको ज्ञान नहीं है, प्रार्थना करने के वक्त ही डिस्टर्ब कर रहा है, सेवा करने के वक्त ऐसे लड़ाई चलते रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहता है। मैं क्या बोलता हूं, परिवार के अंदर हम जो जीवन की साथी मिला है वो कैसा भी हो उसको वैसा ही ग्रहण कर उनको प्रेम करने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूँ, सेवकाई में हम सक्सेसफुल होना है तो परिवार के अंदर एक मजबूत रिश्ता मियाँ बीबी की दोनों के बीच में मजबूत हो गया, उसके बाद सारी रुकावट टूट जाएगा। जोर से हालेलुया बोलिए। प्रॉब्लम क्या होता है, हमेशा घर में जो संडे आराधना चलाना है शनिवारी कुछ प्रॉब्लम खड़ा होगा उधर। कितनी लोग ऐसे महसूस किया है, हाथ उठाइए, सिर्फ दो तीन, चार पांच। भाई कब प्रभु का काम होने के लिए जा रहा है, तब हमेशा शैतान का एक चाल क्या है, हमारे बीच में परिवार के अंदर बच्चे के साथ हमारी जीवन जाति के साथ एक रिश्ता को तोड़ने के लिए, संगति को तोड़ने के लिए प्लान्स आता है। लेकिन इसको दबाने के लिए ये समझना है हम एक शरीर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं बोलने का मतलब क्या है, आगे बढ़ना है, मतलब हमारी आगे बढ़ने का मतलब क्या है, पहला गहराई संगति हमारी परिवार में, उसके साथ कलीसा में, ये दोनों क्लियर हो गया सारी रास्ता क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। सोच के देखो नूह के बारे में, एक बहुत बड़ा सगाज में ये फोटो देख रहा था मैंने, तेरा राज आए, एक शेर है और नीचे क्या है, एक मेमना है। सोच के देखो उसी जहाज के अंदर सारा जानवर रखा होगा, हाथी एक साइड, शेर एक साइड, टाइगर और बिल्ली, सब कुछ रखा होगा, लेकिन सबको खाना देना है। सोच के देखो उसी वक्त, ये तो आने वाला हजार साल में ऐसे रहेगा, लेकिन अभी ऐसे कभी देखा है, ऐसे रहेगा तो जो सोच के देखो मेमना को शेर के पास, शेर से कैसे बचाया होगा,
उनको कैसे खाना खिलाया होगा, इनको कैसे खाना खिलाया होगा। बहुत बड़ी टफ जॉब है। इतनी बड़ी संस्था को चलाना है तो एक शेर भी रहेगा, एक मेमना भी रहेगा, एक बिल्ली भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा। सबको हैंडल करना है तो एक बाप का दिल नहीं होता है तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपको भी एक बहुत बड़ा सगाज प्रभु देने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा सगाज है। सगाज मतलब हालेलुया मत बोलो। शेर भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है, मेमना भी आ रहा है। कलीसिया के अंदर जो विश्वासी लोग हम जो भी बोलते हालेलुया बोलते तो वो विश्वासी बहुत अच्छा है। पास्टर जो भी बोलेंगे आमीन। स्वर्ग में हम आज जाएंगे बोलेंगे तो आमीन। स्वर्ग में हम नहीं जाएंगे बोलेंगे तो भी आमीन। ऐसे बोलने वाला विश्वासी हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ विश्वासी कड़क से बात करेगा, सवाल पैदा करेगा, ये इतना हमको ये हो जाता है। मैं क्या बोलता हूं, द हैंडलिंग द फ्लॉक ऑफ गॉड नीड्स द लविंग हार्ट ऑफ फादर। इसलिए पौलुस लिखता है आपको सिखाने वाले बहुत है लेकिन आपके बीच में बाप, आत्मिक बाप बहुत कम है। कितनी लोग फादर बनने के लिए चाहते हैं। भाई आरसी फादर नहीं बोल रहा हूं, हमारी कलीसिया के अंदर एक बाप के दिल के रूप में खड़ा होना है। हालेलुया। जो बाप का दिल कैसा है ना, जो छोटा बेटा अलग हो गया, दूर चले गया, जाने के बाद वो बहुत दिन के बाद वापस आ रहा था, सारा कुछ खोकर वापस आ रहा है। आने के बाद भी क्या बोल रहा है, क्या बात है, मेरा बेटा खोया आ गया, मेला बनाओ, ढोल बजाओ, सारा कुछ कराओ, बिरयानी बनाओ, मटन बनाओ। पहला बेटा देखा, आकर देखा, इतना दिन मैं ईमानदारी से सेवा कर रहा था, मेरे लिए एक दिन भी पार्टी नहीं बनाया। वो इतना गलती युद्धास कर भाग कर बाहर आया, उनके लिए इतने ही बना रहे हो। मतलब क्या है, ग्रहण करने वाला दिल, एक गले लगाने वाला दिल। ऐसे आत्मिक बापों को भारत देश में प्रभु बहुत लोगों को खड़ा करने के लिए चाहता है। आगे बढ़ो प्रेम में, आगे बढ़ो। हालेलुया। आगे बढ़ने का पहला एक बहुत बड़ी बेस फाउंडेशन इज द लव ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। किसी को हम प्रेम करते हैं, किसी को हम प्रेम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे करकर हम बोला था एक बार, तब एक व्यक्ति ने आया मेरे पास, बोला पादरी साहब यीशु मसीह भी जय भी जाता था, सिर्फ 3 लोगों को लेकर जाता था, क्यों 12 लोगों को नहीं लेकर गया। भाई मतलब क्या है, लेकर जाओ कैसे रहो, लेकिन एक बात है, 12 लोगों को हैंडल करने के वक्त यूदास को मालूम था, यूदास के बारे में मालूम था, यीशु मसीह के बहुत बड़ा चोर है। कभी भी ये नहीं बोला, सारा लोग सावधान रहो, ये बहुत बड़ा चोर है। ऐसे यीशु मसीह बताया, कभी नहीं बताया। सबको एक ही जैसे आदर किया था, एक ही जैसे चलाया था, फिर भी एक चोर है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ना है तो जूदास नहीं होता है तो वो चढ़ सकता नहीं है, क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि पकड़ाने के लिए वो बंदा चाहिए। इसलिए सेवकाई में हमारे साथ एक जूदास रखा है। हा क्यों भाई है, होता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को परिपूर्णता की रीति से करने के लिए ऐसे लोग रहेंगे, हमको छेड़ने वाला रहेंगे, हमको तोड़ने वाला रहेंगे, हमको गुस्सा दिलाने वाला रहेंगे। उन्हीं को सबको प्रेम हम नहीं कर सकते भाई, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है तो सबको मैं प्रेम कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे बल देता है मसीह के द्वारा मैं, मतलब क्या है, किसी को मैं प्रेम नहीं कर सकता, उसको मैं प्रेम कर सकता हूं भाई। हालेलुया। ये स्टेज में आ गया, आगे बढ़ने का
हमारा फ्लाइट शुरू हो गया। हालेलुया। लेकिन ये ठीक करने के वक्त ऐसे लगेगा, बहुत स्लो मूवमेंट जैसे लगेगा, कहाँ कहाँ रिश्ता टूटा हुआ है, किसी के साथ आप मेल मिलाप नहीं कर पा रहा है, आपके बीबी के साथ और आपका हस्बैंड के साथ ये सारा रिश्ता ठीक करेंगे, तब फ्लाइट ऐसे लगेगा। फ्लाइट चलने के वक्त देखा ऐसे ऐसे जाएगा, कहीं कोई देखेगा तो बोलेगा बैलगाड़ी भी अच्छा या तेज से चलता है, लेकिन फ्लाइट बहुत स्लो चलता है। लेकिन सारा टिक होने के बाद 21 सेकंड में टेक ऑफ हो जाएगा। ये सारा रिश्ता को आप टिक करेंगे, आपका फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारा बोलो आगे बढ़ना है तो प्रेम की गहराई में डूबना चाहिए। हालेलुया। कितनी लोग डूबने के लिए तैयार है? हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़िए, एक दूसरे को हाथ पकड़िए, बोलिए मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। कोई बात नहीं, अभी प्रेम कर नहीं पाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम बोलो तो सही। हालेलुया। घर में जाकर जीवन साथी को बोलो मैं आपको प्रेम करता हूं। हालेलुया। आई लव यू। कई लोग सोचता है आई लव यू बहुत गाली देने का जैसे सोचता है, नो भाई, ये बहुत गहराई शब्द है। एक दूसरे को देकर बोलो आई लव यू, मैं प्रेम करता हूं। कई बार ऐसे कॉन्फ्रेंस में हम रहने के वक्त, कई बार मीटिंग में जाएंगे, रात को हम मीटिंग खत्म कर 11 बजे जाएंगे, कुछ लोगों को नींद नहीं आएगा, कुछ लोगों को जोश आ जाएगा, उधर बात करने के लिए शुरू करेंगे। एक मीटिंग में ऐसे बात हो रहा था, दो बंदा बैठकर बात करते रहा, एक पास्टर ने उठा, बेटा दोनों को मैं मार डाल दूंगा, ऐसे गुस्सा से उसको डांटा, बोला था ये लोग नींद को खराब, मतलब कि छोटी छोटी बात हमारे अंदर गुस्सा को लेकर आ जाता है, रिश्ता को तोड़ देता है। फिर मीटिंग में आकर बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? आई लव यू बोलेंगे? पंजाब में मीटिंग हो, कई बार मीटिंग होता है तो पता नहीं लोग जहां जगह हम लेके पेस्ट लेकर गएंगे, साबुन लेकर गएंगे, दूसरा मिनट में पता नहीं चलता साबुन कहाँ है, पेस्ट कहाँ है, बहुत टेंशन हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, एक फ्री माइंड रखो, कुछ भी हो सबको मैं प्रेम करूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते? आप विजिटिंग जा रहे हो, पास्टर जी आप तो कितना अच्छा सेवा करते हो, लेकिन आपके बारे में वो क्या बोला पता, इतना कुछ बोला था, मेरा मन दुखी हो गया, उस पूरा रात मैंने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना नहीं किया, आज आपको बहुत बड़ी शैतान बनकर आ गया। हमेशा कुछ लोग क्या है ना, नहीं बात करने, जो बात करने के लिए आएंगे ना, बात करने का इंटेंशन क्या होगा, मकसद क्या होगा, किसी के बारे में बताने के लिए आएंगे, अच्छी बात नहीं, रिश्ता को तोड़ने के लिए। जो बंदा साथ में, दो बंदा साथ में चलता है तो किसी बंदा का नींद नहीं आता है। क्या बात है, इतना हंसी मजाक में रहते हैं, अच्छा रहते हैं, क्या है इसको जलन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, शैतान हमेशा ऐसे जलन में बढ़ जाता है जब परमेश्वर की लोग प्रेम में बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह में हम प्रचार करने के लिए गए थे, मेरा फ्रेंड मूछ रखा था, मूछ, उसी चर्च में मूछ रखने वालों को प्रचार करने के लिए नहीं देते, शुक्रगुजार करो, मैं तो मूछ नहीं है मेरे पास, दूसरा बाल भी नहीं है, वो अलग बात है। जब उनको बोला ब्रदर गलत मत समझना, आपने मूछ रखा है इसलिए आप प्रचार नहीं कर सकते, बोलने के बाद बहुत रिलैक्स लगा था, मैं सोचा था ये बहुत गुस्सा होगा, ये टेंशन होगा, वो बोला है
क्या बात है यार, हमारा बाप का काम हो रहा है, कुछ भी हमको कोई भी बोलने दो, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया में 50 लोग आ रहा है, उनकी कलीसिया में 500 लोग आ रहा है, ऑटोमेटिकली उसके बारे में कमी निकाल देंगे हम। क्या यार, वो करता है, ये करता है, बात करता है, ऐसे हमारे अंदर क्या है ना, जब किसकी बढ़ोतरी को देखकर हमारे अंदर ऐसे रेशियो नहीं आना चाहिए। मैं बोलने का मतलब क्या है, वो भी उसी बाप का काम कर रहा है, हम भी उसी बाप का काम कर रहा है, हम सारा एक ही बाप का काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक हमारा भाई का कलीसा बढ़ोतरी हो रहा है तो मेरा बाप का घर बढ़ोतरी हो रहा है। हालेलुया। जो जेम्स इधर आकर देखा, ये जेम्स नहीं है, मेरा बाप का साम्राज्य इधर पड़ रहा है। हालेलुया। कुछ लोग संस्था की गमन रखते हैं, हम वो वाला है, हम ये वाला है। भाई वो वाला रखो, ये वाला रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा उसका वाला है भाई। हालेलुया। कितने लोग अच्छा, कितनी लोग खुश में है। कई लोग बोलते हैं मैं तो उसी कलीसा का हूं, बोलने के वक्त स्टाइली देखो। हाँ ब्रदर, आप कहां से है, कौन सी? मैं तो उसी कलीसा का हूं, मैं तो उसी संस्था से हूं। भाई किसी संस्था हो, किसी कलीसा हो, सारा एक ही बाप का है। हालेलुया। घमंड करें, कोई घमंड करेगा तो मसीह के बारे में घमंड करें। हालेलुया। कितने लोग अच्छा लगता है। मैं एमर्सन भाई के साथ बात कर रहा था, वो बता रहे थे जो हमारा भाई कितना दूसरी संस्था के साथ हाथ मिलाकर सेवकाई कर रहे थे। कुछ ये ही है गॉड्स नेचर। संस्था का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ संस्था होते हैं वो कामों से बाहर नहीं आते, उधर ही बैठते रहते हैं, सीरा सी उनके साथ डायरेक्शन है, और कहीं किसी देश के बारे में बात ही नहीं करेंगे। वो शिकारिया में रहेंगे तो भी उनका उस वो लोग का सियोन में बैठने का सोच ही रहेगा। उसी लोगों को भी हम जाकर हाथ मिला सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते भाई, कोई भी संस्था ऐसे नहीं है उसी संस्था में सब कुछ ठीक है, सारी संस्था में कमियां हैं, सारा सिद्धताई की ओर से हम सफर कर रहे हैं। वो कुछ बातों में ठीक है, हम कुछ बातों में ठीक नहीं है। हालेलुया। एक बंदा मेरे साथ आकर रूम में रहा था, एक भाई आया था सेवकाई के लिए। वो कहाँ से आया, कैसे संस्था, ये नहीं मालूम था। मैं रात को प्रार्थना करने के वक्त थोड़ा अन्य भाषा बोलकर सारा धन्यवाद कर प्रार्थना किया। ये अगला दिन मेरे से मुंह दिखाया नहीं, 3-4 दिन हो गया, बोलता है मैं अलग दूसरा कमरा में जा रहा हूँ, मैं देख लिया, चले चले गया। 3 साल के बाद पता चला था वो अन्य भाषा को विश्वास नहीं करता, इसलिए मुझे नफरत कर दिया। फिर उनको बोला भाई आपको ऐसे है तो आपका सामने मैं नहीं बात करता हूँ, छोड़ो, कम से तो गले तो मिला हो। हालेलुया। आज उसको प्रकाशित नहीं है, लेकिन एक दिन प्रकाशित आने के बाद वो भी मान जाएगा। मैं बोलने का मतलब क्या है, किसी को भी किसी रीति से हमने तुझ नहीं सोचना है, तुझ नहीं समझना है, हाथ मिलाकर चलना है। दूसरा संस्था को छोड़ो या हमारी संस्था के साथ साथ हाथ मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं क्या बोलता हूं, जब हम इसी प्रेम में बढ़ेंगे ये रुकावट ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी सफर का सारा रोड क्लियर हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं। मैं क्या बोलता हूं, किसी को भी आपके बीच में बात नहीं कर पा रहे हैं कई साल से, कई महीना से, उसका नाम लिखो, बोलो
मैं इसी को प्रेम करता हूं। प्रेम करने के लिए मन आएगा तो, मन नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, बोलो तो सही, जो प्रभु हमारे अंदर वो मन को दे देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? खड़ुआपन की जड़ को आज मेरे दिल के अंदर से प्रभु निकाल दिया। सारा बोलो हालेलुया। यूसुफ को क्यों प्रभु ने मिस्र देश का प्रेसिडेंट बनाया पता? उनको वो भाई लोग इतना कुछ किया था, गड्ढा में डाला, डालने के बाद उनको भेज दिया, उनको इतना नफरत करते थे, सारा कुछ कर दिया, लेकिन ये एक पोजीशन में आ गया, आने के बाद सोच के देखो उसके मन के अंदर ये बात रहेगा तो आ जाओ मुझे गड्ढे में डाला है, आने दो। कई बार हम बहुत समय के लिए वेट कर रहा है, कई बार बोलते हैं मेरा भी टाइम आएगा तब मैं देखूंगा, आपको जवाब दूंगा, वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन जब उनका समय आया, मसीह का स्वभाव उनके अंदर प्रकट हुआ, वो सारी भाई लोगों को ये इनका जीवन को खत्म करने के लिए सोचा था, लेकिन उन्होंने उनको जीवन देने के लिए शुरू किया। यही है मसीह का प्रेम। सारा बोलो अर्पित करो, आगे बढ़ो, प्रेम करने के लिए अर्पित करो, आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये भाई बहुत गुस्सा से मुझे देख रहा है, क्या चक्कर है? पता नहीं, मैं शुरू से देख रहा हूं, असरा भी नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, मैं भी डर गया, क्या बात है यार, मैं गलत तो प्रचार नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं वैसे मैं बोला था। हालेलुया, आई लव यू ब्रदर। हालेलुया। चर्च में हम एक छोटा घर था, हाल था, उसी हाल में साइड में इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप ऐसे डाला होता था। उसी वक्त कम से कम 15-20 लोग आते थे। उसी वक्त एक बैंक मैनेजर था, वो मेरा हमारा चर्च में आता था। मैं आराधना करता हूँ, बहुत गहराई से आराधना कर रहा हूँ, आँख नहीं खोला, सारा लोग आराधना कर रहे थे। अचानक मैंने आँख खोला, ये बैंक मैनेजर जैसे आराधना कर रहे हैं हम, मैं आगे खड़ा हूँ, सारा आराधना कर रहे, ये ऐसे हो गया, मैप को देख रहा है, कश्मीर का। मैं देखकर इतना गुस्सा आ गया मन के अंदर, बाप रे, इतना जान डालकर हम आराधना कर रहे हैं, ये मैप देख रहा है। उसी को इतना, मैं सारा बैठने के बाद प्रचार जो भी तैयार किया सारा ऐसे रख दिया, उसी को टोका सीधा, भाई आराधना करने के वक्त एक भाई नहीं है, एक बात नहीं है, बहुत डांट दिया, फिर भी उसको असर ही नहीं पड़ा। मैं सोचा था प्रचार खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ बदलावट आएगा, वो बोले थे क्या बात है, क्या प्रचार किया था आपने, समझा वो भी उन्होंने नहीं सुना। बोलने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे विश्वासी आएगा तो एकदम गुस्सा आ जाता है हमारे मन के अंदर, फिर दूसरा बार उसके लिए एक पिक्चर लगा लेते हैं, ठीक नहीं रहेगा। मैं क्या बोलता हूँ, पत्रस को प्रभु ने बोला आप इनकार करेगा, बाइबल में लिखा है वो यीशु मसीह का नाम को क्या किया था, इनकार 3 बार किया, लेकिन उसी वक्त यीशु मसीह इनकार करने के बाद मुड़कर देखा, मुड़कर देखने के वक्त ऐसे नहीं देखा, मैंने बोला था ना 3 बार आपने इनकार किया, इनकार करेगा, कर लिया ना, ऐसे नहीं बोला, वो मुड़कर देखने के वक्त ऐसे देखा, जो 3,000 लोगों को मन फिराने वाला, प्रचार करने वाला के रूप में उसको देखा। हालेलुया।
यही है मसीह का नजर। मसीह का नजर ऐसे हमारे ऊपर पड़ता है, कितना स्थान में भी आप खड़ा हो, प्रभु हमको दूसरी रूप में हमको देख रहा है। ऐसे नजर हमारे अंदर आ गया तो कलीसिया के अंदर जो भी आएंगे वो बोलेंगे ये हमारा बाप का घर है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। एक मिनट, आप कम से कम बाप के घर में बैठा हुआ जैसे गीत गाओ, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Sara, come and go with me, ho ho, to my father's house, to my father's house, to my father's house. Chalo mere saath, mere baap ke ghar, mere baap ke ghar, ho ho, mere baap ke ghar. चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। जब हमारे कलीसिया में लोग आने के वक्त ऐसे गीत गाकर आना है, बाप का प्रेम को उधर महसूस करना चाहिए। हालेलुया। बाप डांटेगा तो भी वो लोग को उसी में आनंदित होता है। प्रेम की गहराई से डांटेंगे उसमें कोई भी नफरत नहीं आएगा। हालेलुया। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, हो मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। ला 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 ला। जो ये प्रेम बढ़ गया तो उसी जगह स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हमारा परिवार पृथ्वी में एक स्वर्ग है, हमारा कलीसिया पृथ्वी में एक स्वर्ग है। मुझे घर में जाने के लिए मन ही नहीं लगता है। कुछ लोग बोलते हैं चर्च में जाने के लिए मन ही नहीं लगता है, पास्टर हमेशा डांटते रहता है। मैं क्या बोलता हूं, कुछ भी हो लेकिन आपके अंदर गहराई प्रेम होगा तो आप डांटेगा तो भी लोग मसीह की प्रेम को महसूस करेंगे। हमारी सेवकाई मेल मिलाप की सेवकाई है। हालेलुया। लड़ाई करने वाला उन लोगों को मिलाने वाला सेवकाई हमारा सेवकाई है। मैं सिंपल ट्रूथ को इतना देर खींच रहा हूं क्यों, ये बहुत बड़ी रुकावट है भाई। ये रुकावट को शैतान बहुत आराम से लेकर आ जाता है। कई साल कई महीने लोग बात ही नहीं करते, घर में बात ही नहीं करते। कई बार बोलते छोटा बच्चा होगा उनको बोलेंगे काफी लेकर आओ, इसका मतलब क्या है, उधर आज्ञा दे रहा है। वो बोलेंगे काफी रख दिया हूं। समझ आ रही है मेरी बात भाई? सिर्फ आपका घर में नहीं है, सबका घर में यही हाल है। मैं क्या बोलता हूं, ऐसे होता है, लड़ाई तो होता है लेकिन तुरंत लड़ाई प्रेम में बदल जाना चाहिए। गुस्सा सुबह उदय होने के पहले आपका गुस्सा क्या होना चाहिए? हालेलुया। एक ब्रदर ने क्या कर दिया, गुस्सा से बीवी को मार दिया। मारकर अगला दिन आया, पास्टर को आकर बोला था वो सिस्टर ने, मार दिया मार दिया मार दिया। पास्टर ने जाकर बोला, क्या ब्रदर आप सिस्टर को मारा है क्या? पास्टर गुस्सा करो, पाप मत करो, हम एक बार गुस्सा करा मारा बस,
अगले दिन प्यार कर देंगे। मैं क्या बोलता हूं, कुछ भी करो लेकिन अपना शरीर को कोई भी नहीं मारेगा, हम एक ही शरीर है। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब क्या है, हम विश्वासी के साथ, परिवार के साथ प्रेम की गहराई में डूबने के वक्त हमारे सामने अंधकार की सारी किंगडम हिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, हम देखेंगे कलीसा एक मंदिर है, वी आर ऑल उसकी मंदिर में बनाने वाला एक पत्थर के समान प्रभु ने बना रहा है हम सबको। हम सारा मिलकर एक मंदिर के रूप में प्रभु हमको बना रहा है। हालेलुया, वी आर अ टेम्पल, आवर बॉडी इज अ टेम्पल। हम देख रहे हैं हम सारा मिलकर एक अनंत काल की परमेश्वर की स्थान के रूप में बनाया जा रहा है। हम पढ़ेंगे एफिसियों की पत्री लास्ट दो वचन को हम पढ़ेंगे, जल्दी। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास। एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय आखिरी दो वचन। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। 21वां वचन पढ़िए, एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में मंदिर बन जाती है, एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वी आर अ टेम्पल। देखो ये एक स्वर्ग की बुलाहट है। द वन डे द होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बिकम अ टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। देखो सोच के देखो, हम पहला दिन में मैंने बोला था जो जेरूशलेम ऊपर से नीचे आ रहा है, आने के बाद प्रभु बोल रहा है, उधर से बहुत बड़ा आवाज आ रहा है, इसके बाद परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वास करेगा, डेरा बनाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की डेरा के रूप में बनाया जाता है, लेकिन देखो जे बनाने वाला टेम्पल किस मटेरियल से बना रहा है। हम सारा पाप में मरे हुए में थे, पाप किया हुआ था, लेकिन प्रभु ने हमको पाप से माफ कर हमको जिलाया। टोटल ब्रोकन नेचर था हमारे अंदर, टूटा हुआ था, पाप की कीचड़ में थे हम, लेकिन प्रभु हमको बुलाकर हमारे ऊपर एक नया सृष्टि किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर दो जगह में फूक मारा करके लिखा है, कब, जो आदम को बनाने के वक्त परमेश्वर ने फूक मारा था उसी वक्त वो जीवित प्राणी हो गया, लेकिन दूसरा बार यीशु मसीह ने अपनी चेलों के ऊपर उन्होंने पुनर्स्थान होने के बाद क्या मारा है, फूक मारा है। देखो पहले एदन की वाटिका में आदम को बनाने के वक्त फूक मारा, दूसरा वो पुनर्स्थान होने के बाद नया मनुष्य को बनाने के वक्त, नया रीति से बनाने के वक्त, एक नया सृष्टि को बनाने के वक्त दूसरा बार फूक मारा। हालेलुया। जो सेकंड क्रिएशन बाइबल में लिखा है, जो भी मसीह में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। देखो हमको ऐसे बनाया द प्रेशियस। मैं एक बात बोला हूं, जो भी जो मंदिर बना रहा है उसमें सब कुछ मास्टरपीस के द्वारा बना रहा है। हालेलुया। मतलब बोलने का मतलब क्या है, प्रभु ने जो भी सृष्टि किया है सारी सृष्टि में श्रेष्ठ हम ही है। इतना
हमारे जैसे कोई भी सृष्टि नहीं है प्रभु की नजर में, बहुमूल्य में हमको अपनी मंदिर के रूप में बना रहा है। हालेलुया। कितना हम अपने आप को ख्याल करते हैं वैसे पूरी लोगों को हम ऐसे देकर ही ख्याल रखना है। हालेलुया। वी आर अ टेम्पल परमेश्वर के लिए बनाया हुआ अलग जीवित पत्थर हमको बनाया परमेश्वर ने, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर ने इस मंदिर को बना रहा है। तीसरा, कलीसा एक भेद है, कलीसा के अंदर भेद है। मतलब क्या है? कलीसा के बारे में पुराना नियम में प्रकाशित नहीं था किसी को, इट इज अ मिस्ट्री। बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है? पहले कोई भी पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था याजक के अलावा। कोई भी महापवित्र स्थान में जा सकता था सिर्फ साल में एक बार महायाजक अंदर जा सकता था, इतना रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन जो आने वाला हमको सब लोग, हम उसी जगह तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला है। इसी बातों को देखने के लिए पुराना नियम में लोग तड़फते थे लेकिन देख नहीं पाया। इट इज अ मिस्ट्री। इसलिए तीसरा अध्याय में बोल रहा है कलीसा एक भेद है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, हम एक दूसरे के साथ हम देखते हैं, वी आर इस दुनिया के सामने एक भेद के रूप में रहते हैं। जब मसीह प्रकट होगा तब हम भी प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए देखो, मैं एक बात बोलता हूं, आगे बढ़ना है तो हमको प्रभु किस स्थान में रखा है उसी स्थान को हमने समझना है। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, सारी बातों में एक बात है, सारा एक यूनिटी बनकर एक ही आत्मा के साथ भिन्न भिन्न वरदान के द्वारा प्रभु ने हम सबको मिलकर रखा है, ताकि एक शरीर के रूप में, एक मंदिर के रूप में, एक वेद के रूप में प्रभु ने इस दुनिया में हमको रखा है। हालेलुया। इसलिए हम जो सेवकाई कर रहे हैं, किस जगह में कैसे भी सेवकाई कर रहे हैं, हमने यही समझना है। आप देखो, यीशु मसीह ने बोला मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरफ ये भी समझना है, मेरे भाई के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हम एक शरीर है, बोल सकता है शरीर में एक हाथ बोल सकता है, कोई भी हमको नहीं चाहिए भाई, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहूंगा। ऐसे कट हो जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा भाई, ये हाथ काम नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप और हम दोनों बिना एक दूसरे के द्वारा हम परमेश्वर की परिपूर्णता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। कितने लोग समझ में आ रही है? हालेलुया। सारा बोलो, आपके लिए, दूसरे को देखकर बोला, आपके लिए मैं जरूरत है, मेरे लिए आप जरूरत है। लेकिन कुछ लोग बोलता है मुझे कोई भी जरूरत नहीं है भाई, मैं परमेश्वर के साथ सीधा कनेक्शन हूं भाई। ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। नो द फेलोशिप, द सीक्रेट ऑफ द फेलोशिप ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द टेम्पल ऑफ गॉड, द मिस्ट्री ऑफ गॉड। ये मिस्ट्री इसी में है, ये भेद इसी में है। हम सारा मिलकर परमेश्वर की प्रेम की गहराई को समझकर जो जो करता है उसी को हमने आगे बढ़ाने के लिए, कोई गिरा है तो उसको उठाना चाहिए, जो दौड़ रहा है तो उसको ऊंचा करना चाहिए। ये से हम करके सेवकाई करेंगे तो हमको रोकने वाला कोई भी नहीं हो सकता है। हमारा सेवकाई आगे से आगे बढ़ते रहेगा। कई बार बोलते हैं हमारा चीज में बहुत अच्छा चलता है, उधर कैसे चलता है? भाई कैसा भी रहो, उधर नुकसान है तो भी आपका नुकसान है, उधर बरकत है भी आपका बरकत है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? इसी को समझ लेंगे, इसी फेलोशिप में बढ़ेंगे, हमारी आगे बढ़ने को कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
जो आखिरी तीन चैप्टर्स में नया मनुष्य एक दुल्हन एक सिपाही के रूप में बताया गया, मैं जल्दी जल्दी बताने के लिए मैं चाहता हूं क्या है नया मनुष्य, मतलब क्या है इज ए न्यू क्रिएशन, मतलब अभी तक हमारे अंदर जो था सब कुछ बदल गया है, हमारे अंदर ए टू इजेड हमारी स्वभाव बदल चुका है, हमारी सोचना बदल चुका है, हमने देखना बदल चुका है, हमारी बातचीत करना बदल चुका है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के नहीं है पूरा शरीर के रूप में बदल चुका है। वी आर अ न्यू क्रिएशन, हालेलुया, हम धन्य हैं। हम सारा मिलकर इसी संगति में कलीसिया के साथ बसी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा परिवार के साथ हम खड़ा है, हालेलुया। हमारा परिवार हमारा रिश्तेदार सिर्फ बिहार में नहीं, पंजाब में है, कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, उस पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, हमारा परिवार बड़ा परिवार है। हालेलुया। कई बार हम लोग बोलते हैं मेरे खानदान के बारे में बताया आपको, हम बोलने थे, कई लोग बोलता है हमारे पास आकर, हम हमारा चर्च में एक परिवार आता था, हमेशा लोग बोलेंगे हम राजभूत है, क्या भूत है, हम राजभूत है भाई, हम राजभूत है भाई, पता नहीं आने के वक्त उनका नाम के पीछे राजपूत नहीं लिखता था, लेकिन कुछ दिन के बाद सब लोग राजपूत लिखने के लिए शुरू किया। मतलब क्या है, हम सारा मिलकर एक परिवार के रूप में खड़ा है। कितना बड़ा परिवार है, परमेश्वर के लघु से धोया गया है। इस परिवार की संगति को गहराई को हम समझ लेंगे उसके बाद हमारी जीवन में कई भी रुकावट हमको रोक नहीं सकता है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कितनी लोग आप आगे बढ़ने के लिए शुरू कर दिया, हालेलुया। जब हमारे मन के अंदर कड़वा पर निकल गया, यूर ट्रैक क्लियर, हालेलुया। कई लोग बोलता है ना, जो किसी को हम पूछेंगे शादी क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ट्रैक क्लियर नहीं है भाई, आगे कोई मेरा भाई है बहन है शादी नहीं हुआ है, मेरा ट्रैक क्लियर नहीं है। इसी तरफ हम भी सेवकाई में बढ़ोतरी ना होने के लिए एक क्लियर नहीं है, कुछ कड़वापन हमारे मन के अंदर है, उसको प्रभु क्लियर कर दिया, आज इसी वक्त क्लियर कर दिया, आपकी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। देखो उसके बाद दुल्हन के रूप में कलीसिया को बताया गया है, इसलिए पौलुस बता रहा है आपको, मैंने मसीह के साथ, इसलिए मसीह जब आने के वक्त बिना कलंक के द्वारा बिना पाप के द्वारा मसीह के सामने खड़ा करना है, हालेलुया। इसलिए एक दुल्हन के रूप में प्रभु हम सबको तैयार कर रहा है। इसमें क्या है, हमारा दुल्हन होता है तो दुल्हन शादी के दिन में दुल्हन को मेकअप कराते नहीं कराते हैं, जरूर कराते मेकअप, हमको मेकअप क्या है, पवित्रता की जो शोभा में प्रभु अलंकार करता है। जब पवित्र आत्मा आता है हमको पूरा पवित्रता के अंदर लेकर जाकर हर दिन हमारी जीवन में हमारी किस बात से हम आगे बढ़ना है, मसीह की जैसे बदलने में हमारा दिमाग दिल को लगाने के वक्त हर दिन मसीह उसकी जैसे बनाकर हमको आगे उसके लिए तैयार करेगा। हालेलुया। आखिरी में एफिसियों की पत्री 6 अध्याय में सिपाही के रूप में कलीसिया के बारे में बताया गया है, सिपाही कैसे रहना चाहिए, वी आर अ सोल्जर। हालेलुया। मैं दुल्हन हूं इसलिए मैं हमेशा ऐसे रहूंगा, ऐसे नहीं, एक सिपाही के रूप में हम रहते हैं, एक आत्मिक युद्ध में रहते हैं, जहां भी रहते हैं वहां एक आत्मिक युद्ध में एक सिपाही के समान हम खड़ा है, वी आर अ सोल्जर। हालेलुया। देखो किसी इलाका में है उसी इलाका का हम है उधर
एक परमेश्वर की राज के लिए लड़ाई करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा। हालेलुया। इसलिए देखो हमारा जीवन में जैसे एक सिपाही तैयार रहना चाहिए, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, पूरी हथियार पहनकर तैयार में रहो। ऐसे हम तैयार में रहेंगे, हर एक सेवकाई में, हर एक बातों में हम आगे बढ़ने के वक्त, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने के वक्त मसीह की सारी इच्छा को हम पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। कितनी लोग मसीह को देखने के लिए इंतजार में है, कितने लोग इंतजार में है? हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, सारा स्वर्ग आपके लिए इंतजार में है। मैं एक बात बताता हूं, शादी होने के वक्त जो लड़का पहले बैठा रहता है लड़की को बाद में लेकर आता है, जो लड़का का घर वाला सारा लड़कों को देखा हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन जब शादी होने के वक्त जो दुल्हन अंदर आएगा, सारा जो लड़का वाला का घर वाला सारा दुल्हन के ऊपर नजर रखेगा, देखो यार उसका कलर देखो, उसका मुंह देखो, उसका बाल देखो, ऐसे सारा उसको ही देखेंगे, क्योंकि दुल्हन को नहीं देखा है। स्वर्ग में सारा लोग यीशु मसीह को देख कर रखा हुआ है, लेकिन हमको उसी विभाग में देखने के लिए तैयार में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, द हेवन इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन उसी मंजिल में पहुंचने के पहले हमको जो भी रुकावट है, सारी रुकावट को खत्म कर उसी मंजिल में हम जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। जो अर्पित किया है आज, ये मकसद एक ही बात है, मसीह की प्रेम की गहराई में हम डूबने के वक्त ऑटोमेटिकली सारा रुकावट निकल जाएगा, हमारी सफर आगे बढ़ते जाएगा, सारा अपनी जगह में खड़ा हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज जो भी बातों को हमको समझाया, इसी बातों को प्रभु की हाथों में समर्पण करेंगे। प्रभु मैं आपकी शरीर में एक अंग हूं, प्रभु जी हम सबको भिन्न भिन्न की कामों को आपने दिया है, एक ही आत्मा के द्वारा भिन्न भिन्न की वरदान दिया है, भिन्न भिन्न की सेवकाई दिया है, ताकि प्रभु जी हम सारा मिलकर आपकी मकसद को पूरा करने के लिए आपने दिया है प्रभु जी, इसी को हम आगे बढ़ने के लिए आपकी प्रेम में हमारे अंदर जो भी रुकावट है, सारी रुकावट को हमारे मन के अंदर से निकाल देना। सारा हम प्रार्थना करेंगे इसी वक्त, प्रभु दो मिनट आपकी दिल को सर्च कर लीजिए, किसी के प्रति एक कड़वापन है आपकी परिवार के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर, उस कड़वापन को प्रभु इसी वक्त निकाल रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए उसी गहराई में प्रभु लेकर जाने के लिए जा रहा है इसी वक्त। किसी के प्रति है तो सारा हम प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आपकी मन मेरे अंदर दिए प्रभु जी।